आ महात मेरा बेटा ए नहीं दीजिए इसे ए नहीं महात हां मम्मा फोटोज अच्छा छोड़ो मम्मा हाथ की फोटो लेंगी मम्मा बात की बहुत सारी फोटोज लेंगी <laughs> लो, का लो, का लो, दूर 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 से असल एवरी कैसे हैं आप सब लोग होपफुली आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी ठीक भी ठाक हूँ आप सबके दुआओं से और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप सबके उम्मीद है कि आप सबके रमज़ान भी मेरी तरह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और इस बार तो ना तो ज़्यादा गर्मी में फील हो रही है और ना ही ज़्यादा हो गई सर्दी मतलब जैसे रमज़ान लास्ट ईयर आई थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इस तरह अभी इस इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा अभी जो है ना सारी में बनाने लगी हूँ फैनी फैनी जो है हम लेकर आए थे कसरे सियालकोट से और ये मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी बट अली ने कहा कि चलो इस बार खा के देख लो ट्राई तो करो तो मैंने ट्राई की तो पता नहीं क्यों मुझे अब अच्छी लगने लगी वैसे मैं शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी शादी के बाद भी लेकर आए थे तब भी मैं बिल्कुल नहीं खा देती बट ये है कि यार मज़ेदार है अच्छी ये चीजें खाना चाहिए अब जो है ना सैरी का टाइम है और मैंने ना अली और अपने लिए एक, -एक। जो है बॉल बना लिया था मतलब एक एक प्याली बना ली थी खाने के लिए अच्छा यहाँ पे ना पूरे दिन में यही होता है नमाज रोज़ा रोजे में क्या होता है कि यार नमाज़ पढ़नी होती है कुरान पाक पढ़ना होता है बट मेरा ऐसा होता है कि रात में अगर मैं जाग अगर क्या मोस्टली मैं जागती ही रात में हूँ फिर ये क्या होता है कि अली तब सुबह चले जाते हैं ना नमाज़ वग़ैरह पढ़ के सब कुछ उस टाइम पर कुरान पाक पढ़ती हूँ रमज़ान में जो है मैं तहजुद के टाइम मुझे ना वजीफ़े वगैरह पढ़ना होता है इंशाल्लाह मैं आपके आपसे आने वाले दिनों में ना मैं शेयर करूँगी कि कौन से वजीफ़े मैं पढ़ती हूँ और कौन से वजीफ़े भी आप लोग पढ़ें तो किससे आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है वैसे तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है बट जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं डेफ़िनेटली आपसे आने वाले ब्लॉग्स में जो है वो शेयर करूंगी ठीक है जी अच्छा मेरा यह है कि अगर आपको एक बात पता है और अगर आप बात आगे बता देते हो वह सत्य जारी है और अगर मेरी मेरी तरफ से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो इससे बड़ी क्या बात है तो उसका स्वाब तो मुझे भी मिलेगा भले आप लोग मे से जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं एक वजीफा बहुत होता है मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अब मेरी अम्मी को किसी ने बताया था जब अम्मी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी तो आ, आफ्टर मैरिज अम्मी मतलब मेरी थर्ड सिस्टर हो चुकी थी उसके बाद अम्मी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी तो किसी ने अम्मी की फ्रेंड ने अम्मी को बताया था कि एक वज़ीफ़ा है या बदी हो भी बिल खैरी या बदी हो तो ये जो है ना थोड़ा टाइम टेकिन वजीफा मतलब आपका टाइम जो है ना थोड़ा ज़्यादा जाता है अच्छा मैं वजीफा आपको आगे जाकर बताती हूँ अभी बताती हूँ कि मैं यहाँ पे बना कर रही हूँ यहाँ पे मैंने ना अपनी फैमिली वालों की आज दावत कर दी अच्छा मुझे ये था कि ना मैं अली को आज मौसमिया लेकर आए हुए थे मैं सोचा चलो अली को जूस बना के दूंगी लेकिन ये देखिए मैं रहती सारी मौसमियों के साथ। जूस जो है आप सब के सामने निकाला है और ये बिल्कुल इतना सा निकला वैसे मुझे पता था इन सब का जो है एक ही गिलास निकलना है क्योंकि ये जब मशीन मैंने जिसमें जूस निकाला है ना एक तो ये है बहुत ईजी टू यूज़ आप इसमें मौसमी रखोगे हाफ जो भी है हाफ पी ज़ाहिर आप रखेंगे एक वक्त में तो वो हाथ जैसे ही आप भी रखोगे ना ऊपर तो वो खुद ही खुद ही मशीन घूमने लग जाती है रोटेट होने लग जाती है ऊपर वाला जो एरियाज़ का अच्छा मैं आपको दिखा दिया कि कितना सा आया है इतनी सारी मैंने मौसमियों को बनाया है तकरीबन सिक्स टू सेवन थी तो उसमें जस्ट वन ग्लास और थोड़ा सा एक ग्लास ज़्यादा निकला था तो मैंने अलीगल ही रख दिया था तो क्योंकि का ये होता है कि वो पूरे दिन ऑफिस में होते हैं पूरा दिन तो ये मतलब ट्वेल्थ थर्टी तक आ ही जाते हैं माशाला से घर में लेकिन फिर यही होता है कि यार बंदा बाहर से होकर आया तो उसको लिए थोड़ा सा अच्छा प्रोटोकॉल दे देना चाहिए खैर मेरे लिए भी थोड़ा बहुत बच गया था बट ये बच्चा खट्टा भी बहुत होता है तो मैं बच्चों को देती भी नहीं हूँ और ये मशीन मैंने ली थी जब नाथ होने वाला था तब अली ने ये मशीन ली थी मेरे लिए उस टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो जूसेस वगैरह पीती थी तो ग्रैफ फ्रूट के मौसमी के ऑरेंज के सब मिला जुला के जो है ना अली मुझे जूस निकाल के इसी मशीन से देते दे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने ये जूसेस पिए थे माथ के होने के टाइम पर अच्छा अभी मैंने यहाँ पर बना लिया है क्योंकि बच्चे बहुत कोई शौक से जो है ना मेरे रफ़ा पीते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ ये चिकन मैंने वॉश करके रख ली है और प्याज मैं यहाँ पर रेड अनियन जो है मैंने यहाँ पर रेड करने के लिए रख दी है ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसके बाद चिकन वगैरह ऐड और जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है मैं डेफिनेटली आप शेयर तो अनियन अंगन पर फ्राई हो चुकी है और अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन नॉर्मल चिकन बिरयानी बना रही है तो आप लोगों को तो पता ही है और मैं अभी इस टाइम पर बना रही हूँ बिल्कुल एंड टाइम है मतलब ओ क्लॉक अभी हो रहे हैं किचन में मैं पाँच बजे एंटर हुई क्योंकि अगर प्रैक्टिस काफ़ी ज्यादा हो गई अफ्तारी बनाने की तो मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है अच्छा खैर अभी मैंने यहाँ पे अदरक लसन का पेस्ट चिकन मैंने फ्राई कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दिया है मीनस कि मैंने यहाँ पे अदरक लसन का पेस्ट डालकर चिकन को अच्छा जैसे सबके अदर लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है यहाँ पे मैंने नॉर्मल बिरयानी मसाला स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला जो होता है रेडीमेड शान का वो मैंने ऐड किया है टू से थ्री टेबल स्पून मसाला मैंने ऐड किया क्योंकि मैं कमी बना रही हूँ मैंने सोचा यार डेली डेली जो है वो बनाती हूँ तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए अच्छा मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया और जो मैंने पुदीने के क्यूब्स बनाकर रखे थे ना वो भी मैंने साथ ही साथ इसमें ऐड कर दिए तो मेरे पास अभी पुदीना रखा हुआ होता नहीं था साबुत क्योंकि जो था पुदीना मैंने सारा ही जो है ना वो कोई पीस लिया था मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड के लाइट ना ऑन कर दिया देखिए कितना प्यारा सा मेरा ब्राइट ब्राइट सा किचन आ रहा है और ये भी यहाँ पर किचन में आ गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए अच्छा मैंने ना अभी कोरमा बनने के लिए रख दिया है बिरयानी का तवे पर तवे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और वो वहाँ पे जो है ना चने की दाल बॉईल हो रही है आज जो है मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल मैंने आज चने नहीं बनाने ठीक है तो मैं आज चने की दाल बहुत बहुत कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती बनती है इसको आप लोगों ने डेफ़िनेटली ट्राई ज़रूर करना है ठीक है तो अच्छा अभी ना मैं यहाँ पर पहले ये बटे डाल दूँ फ्रूट चाट का अली मैं अली को आज ही मना कर रही थी पर अली कहना है कि तुम जब से रमजान स्टार्ट हो तुम फ्रूट चाट नहीं बना रही हो तो इतना नहीं खाया जाता हम लोग तो छोटी सी तो फैमिली है और इतना कोई खाया जाता नहीं बह फिर भी अली ने ज़द ली थी कि नहीं आज तो मैं फ्रूट चाट बनाऊँ मुझे कह रहे थे बनाऊँ तो मैंने कहा छोड़ो यार नहीं खाया जाता फिर भी उनका दिल था तो मैंने कहा चलना ठीक है आप बना लें तो ये चाट वगैरह के काम जो है ना मेरे अबू ही करते थे यहाँ पर अली करते थे पता नहीं क्यों क्योंकि ना ये वो काटना वाटना इतना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाता है खैर इसकी तो मशीन भी आने लगी है वेजेज़ वगैरह कट करने की भी और ये फ्रूट्स वगैरह कट करने की तो अभी तो खैर मेरे पास नहीं है इन मैं बहुत जल्द ले लूँगी नेक्स्ट ईयर इनशाला मेरे पास होगी ठीक है जी तो वो डेफिनेटली आप सबसे भी शेयर करूँगी और यहाँ पर जो है ना मेरे ये बड़े एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो मैं इनको अभी पलट रही थी और मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये जो रेसिपी है मैंने अपने मदर इन लॉ से सीखी है मतलब उनको बनाती हुई देखती थी तो मैंने सीखी है तो माज के दाल का धीरे बड़े जो है ना बहुत तरीके से बनते हैं मतलब मीठे वाले भी बनते हैं आने वाले व्लाग से मैं इनशाला बहुत सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करने वाली हूं कि मैं ब्लैक चनी किस तरह से बनाती हूं आज के चनी की दाल आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है बहुत ही सिंपल है और बिलीव में मैं सच कह रही हूँ कि अगर आप चने को स्किप करके एक दिन चने की दाल बना के देखें ना तो बिलीव मी मज़ा आ जाएगा आप लोग खुद कहेंगे क्या ये रेसिपी हम लोगों ने पहले क्यों नहीं ट्राई की है अच्छा यहाँ पे हली के भी जो है ना चार्ट कम्प्लीट हो चुकी थी मैंने कहा यार बड़े प्यार से वो चार्ट बना रहा तो उनकी भी तो क्लिप ऐड करना बनता है ना अच्छा मैं जब काम करती हूँ ना किचन साथ साथ से मेट भी रही होती हूँ पर अली जब करते हैं तो फैलावा करते मैं कहती हूँ अभी आप मुझे भूल दिया क्या मैं कर लूँगी काम लेकिन आप फैलाते बहुत है खैर यहाँ पर मैंने बड़े पानी में डाल के रख दिए हैं और दही को भी जो है ना अच्छे से फेंट लिया है क्योंकि बिरयानी के साथ जो है ना हम लोग रायता ज़रूर खाते हैं तो रायता भी मैंने सोचा बना के रख लूँ क्योंकि बाद में मेरी हिम्मत नहीं होगी फिर यहाँ पे मैंने राइस भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे और राइस जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं और मतलब थोड़ी सी मतलब फाइव परसेंट थोड़ी सी उसमें करनी थी तो मैंने कहा थोड़ा मैं और रख देती हूँ चने भी अली गले में बहुत खाते हैं और यहाँ पर बिरयानी का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पर राइस भी मैंने जो है सारे पानी इसका निकाल लिया है अच्छे से छान लिया है और दाल भी ऑलमोस्ट हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है अच्छा अभी जो है ना यहाँ पे क्या कर, किया है मैंने चावल को बिरयानी को दम पर रख दिया है और नॉर्मल मैंने बिरानी दस दफ़ा बना के दिखाई है इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं आज के ब्लॉग में भी दिखाऊँ ठीक है जी अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं बना फ्राई करने लगी हूँ चने की दाल तो मैं कैसे करती हूँ यहाँ पर मैंने तेल ले लिया मतलब एक पैन लिया पैन मैंने वाई लिया, वाई में मैंने ऑयल लिया ऑयल में मैंने ज़ीरा ऐड किया जीरे को जो आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब ज़ीरा अच्छे से फ़्राई हो जाता तो है उसके बाद आपने ऐड कर देनी है यहाँ पे चने की दाल और चने की दाल ऐड करने के बाद ज़बरदस्त ही आपके पास किचन में खुशबू आने वाली थी मैं बता नहीं सकती अदा ज़ीरा जो है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने खाला मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था इसलिए मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ अगर आप चाहें तो ज़ीरा कम भी ऐड कर सकते हैं ठीक है ज़ीरे के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं ज़ीरा अभी जो है ना अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इनटेक कर रही हूँ खैर मैंने यहाँ पे दाल को दाल डालने के बाद ज़ीरे को जो मैंने ज़ीरा फ्राई किया तो उसमें मैंने दाल डाली फिर दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है सॉल्ट और अब मैं ऐड कर लूँगी इसमें रेड चिल्ली पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है आप चाहें तो क्रश ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो फिसी uh, वो लाल मिर्च भी इसको इसमें ऐड कर हैं इसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो भी वाटर है ना जितना भी इसका वाटर है वो सब हमें ड्राई करना है अच्छा अली ये चाहते हैं कि जो है बिल्कुल गुडी गुडी से जो है ना वो दाल हो और चने हो तो मैं कोशिश तो करती हूँ बट मुझे पर्सली गुडी गुडी सी पसंद नहीं है बट फिर भी अली की वजह से मैं काफ़ी ज्यादा उसको घूट देती हूँ और यहाँ सडनली मैं ट्राईपोर्ट की लाइट वतनी क्यों बंद हो गई थी तो मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं है अभी मैं आप लोगों को दिखा हूँ बिरयानी ना अच्छे से कुक हो चुकी है और बस मैं मसाला मसाला और चावल आपस में ना मिक्स कर रही हूँ अच्छा ये मैं इसको मिस करने के बाद जो है बस मेरे सारे काम ऑलरेडी डन हो चुके हैं अब मैं यही सोच रही थी कि इतना तो मैंने बना लिया है खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा कहने को तो, हो तो हम चार लोग हैं फिर यही होगा कि बिरयानी बचिएगा तो फिर हम नेक्स्ट डे भी कर लेंगे अच्छा चने की दाल जो है ना बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है तो मैंने सो तो थोड़ी देख लीजिए बिरयानी का स्टीम पर रख दिया है और ये आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करनी है अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं की तो बहुत सिंपल सी है और ईज़ी टू वे है बनाना और जो है ना अच्छा आपका जब इसको खाएंगे ना दही बड़े के साथ का टेस्ट बहुत अलग सा है चने की दाल के साथ टेस्ट इतना अलग है पर्सनली जो है ना ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आप चाहें तो उसमें स्पाइस कम भी कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा स्पाइसिस ना उसमें फील नहीं होता है तो जैसे आज पता है क्या हुआ था मेरा था कि मैं चने बना लूँ लेकिन इतना फिर मैंने बोलता यार एक ही एक ही की रेसिपी होगी फिर बिरयानी भी बनानी तो चने ना काफ़ी ज़्यादा हैवी जाते हैं ये चने की दाल जो है ना इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है तो आप चाहें जैसे आपके पास टाइम कम है और आप चने मतलब भिगोना भी भूल गए हैं चने खाने का दिल नहीं चाह रहा है तो आप उसकी जगह पे उसके रिप्लेसमेंट पे जो है आप ये चने की दाल भी खा सकते हैं अच्छा मैंने यहाँ पे फ़्राई कर लिए हैं समोसे और रोल जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है मैंने खुद ही बना के रखे हुए हैं पकौड़े भी मैंने बनाए थे पकौड़े की क्लीम नहीं बना पाई एक ही ग्लास जूस निकला है थोड़ा सा था जो कि मैंने निकाल के रख दिया है साइड पर कि बच्चे मांगे तो बच्चों को दे दूँगी खैर हमने यहाँ पर अफ्तारी वगैरह कर ली है और किचन में साथ साथ सीटती रहती पर सारे बर्तन ना मैंने एक ही जगह ला के रख दिए हैं और अभी सारे बर्तनों में मैंने साबुन लगा दिया है और अब मैं ना कपड़े भी साथ साथ वॉश कर रही थी तो अभी जो है ना मैं ये सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन करके जो है मिलती हूँ तो यहाँ पे सारा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और बस ये स्टोव साफ़ करना था मुझे क्योंकि कुकिंग करते हुए ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और मशीन में, में मैंने आज चार शिफ्टें लगी हैं मशीन की क्योंकि मेरे रमजान थे फिर इतना ज़्यादा ना टाइम नहीं मिल पा रहा था काम करने का तो अब सारा मैं इसमें ना स्टोव में फॉइल भी चढ़ा दिया अब बिकॉज ऐसे रमज़ान में डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी कुकिंग्स हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा बनता है और छीटे वीटे पीछे खासी आ जाती हैं जिसकी वजह से ना पूरा स्टोव गंदा हो जाता है तो ये फॉइल एक मेन चीज़ है मेरे पास जो है ना मेरा थोड़ा सा टाइम सेविंग कर लेता बट अभी भी मुझे ऐसा लगा था जैसे फॉइल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया तो मैंने दोबारा से इसका फॉइल चेंज किया है क्योंकि एक पता है क्या होता है कि जिस पे हमारा खाना बन रहा होता है ना स्टोव में चूल्हे में तो वो तो सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए वैसे भी सफाई नहीं इस बेहान है सफ़ाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जब घर साफ़ सुथरा होता है तो ख़ुद भी हमें अच्छा भी लगता है साफ सी बात है ये हर किसी को पता होगी अच्छा अभी जो है ना पता नहीं हर किसी को अच्छा लगता होगा एमच से यहाँ पर मैंने ये पूरा एरिया भी वॉश किया है और सारे मैंने मोपी मोपिंग मुगार... मोपी वगैरह भी जो है मैंने ये सारी कर दी है और यहाँ पे बिरयानी खाने का भी टाइम आ गया तरह भी पढ़ के भी आ गए थे अच्छा बच्चों की बुक्स भी आ गई हैं और ये आ तो गई थी शाम में ही लेकिन उस टाइम में मैं अवतार बना रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको भी ओपन करके देखूँ वह मैंने अली को बोल दिया कि यार अब इफ्तार के बाद ही करेंगे फिर अली तरावी पढ़ के आया तरावी पढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने ये सब खोलने खाने का सोचा अच्छा ये बुक्स जो है जाके हमें बड़ दुबई से लेनी थी लेकिन ऑनलाइन के चार्जेज इन्होंने फिफ्टी थरम एक्स्ट्रा लिए तो यार उतना तो पेट्रोल भी लग जाता सॉरी बुर्जुमान जाना था तो इतना तो पेट्रोल में भी लग जाना था तो अच्छे अच्छा था कि फ़िफ्टीन थरम देके आप घर में बुलवा लो अच्छा ये जो है ना बच्चों को जहाँ हमने लोगों एडमिशन करवाया है तो ये वहाँ से आई मैं सब कुछ आपको डिटेल बताऊँगी मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जाना चाहते हैं जो दुबई में रहते हैं जो यो यो ये में रहते हैं स्पेशली जो दुबई में रह रहे होते हैं उनको ये जानना होता है कि यार कितनी फीस आपने पे की है क्या है क्या नहीं है एक्सेट्रा 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 तो अच्छा बुक्स तो मैं आपको बता देती हूँ सिक्स सेवेंटी की जो है ये बुक्स पड़ी हैं सारे दोनों बच्चों की और फिफ्टीन धर्म एक्स्ट्रा चार्जेस हैं मतलब सेवन हंड्रेड की जो है हमें ये बुक्स पढ़ी हैं घर तक देकर जाने के लिए ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बुक्स वगैरह चेक कर रहे थे तो ये ग्रेड वन की है मास का एडमिशन ग्रेड वन में ही कर हुआ है तो वो यही की बुक्स है तो हम ये देख रहे थे कि यार इतनी महंगी एक्सपेंसिव बुक्स प्लीज में है कैसा खैर यार पढ़ाई की थोड़ी सी है एक्सपेंसिव तो अभी ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी थी तो मैं डेफ़िनेटली आप सबसे शेयर करूँगी तो इसी तरह आपने मेरे साथ बने रहना है और क्या क्या चीज़ें इनकी आई हैं वो मैं आप सब से अभी आज के ब्लॉग में जो है वो शेयर करने वाली हूँ अच्छा ये इन्होंने स्टेशनरी वगैरह पे दी थी जो कि हमारे पास पड़ी हुई भी थी लेकिन इनके उसमें होगा अब जाहिर सारे पैसे एक साथ ले रहे हैं और जो जो चीज़ें बच्चों को ज़रूरत थी तो उन्होंने जो है ना वो इसमें दे दी है बट ये स्टेशनरी तो हम ख़ुद भी ले सकते हैं और बहुत दफ़ा लिए भी हैं ठीक है जी अच्छा अभी जो है यहाँ पे ये सीजर वग़ैरह भी उन्होंने दी है मास्क को जो एक्टिविटी वगैरह क्लास में करवाएंगे गम भी आई हुई है दो उन्होंने गम स्टिक दी हैं और ये जो सामान था ना अच्छा फा, फाइल्स वगैरह भी आई हुई थी फाइल्स भी थी और ये आर्ट की बुक वग़ैरह तो जाहिर सी बातें नेसेसरी है आना अच्छा ये जो है ना स्टेशनरी का सामान मुझे बस थोड़ा ये लगा कि ये अगर हम अपनी तरफ से भी लेना चाहते तो ले सकते थे चलो खैर अब दे दिया तो दे दिया सब चीज़ें किस में इंक्लूड थी अच्छा अभी सबसे फाइनल काम जो था ना वो मैं एंड में बताऊँगी क्या था फाइनल काम इसका अच्छा मुझे आपको वजीफ़ा भी बताना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं भूल ना जाऊँ तो मैं अभी ना आपको बता देती हूँ वज़ीफ़ा आप बुक्स वगैरह देखते रहिए कौन कौन सी बुक्स आई हैं क्या है क्या नहीं है तो जैसे ही आपकी कोई दिली हाजत है या कोई मुराद है आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो आपने क्या करना है कि पाँचों वक्त की नमाज़ तो आप लोगों ने पढ़नी जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल इस तरह से हो जाना है कि यार नमाज़ आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी नमाज़ वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए बहुत ही बड़ा गुनाह है लेकिन अगर कोई बिज़ी है या कोई मसले मसाइल आ गए हैं वो कज़ा भी कर रहे हैं तो वो इस बात का ख्याल रखें कि यार मैं वजीफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये नमाज़ कज़ा नहीं करनी कोई भी किसी भी टाइम की वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज हम ना तो स्किप करें और ना ही कोई कज़ा करें अच्छा वो जो वजीफ़ा है मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपका ऐसा काम है जो नहीं पूरा हो रहा है और आपने वो आप वो चाहते हैं कि वो काम हो जाए तो आपने वज़ू की हालत में पहले आपने ईा की नमाज़ पढ़ी है ठीक है ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपका जो भी मकसद है ना आपने अपने जहन में रखना है वजीफ़ा यही होता है कि मैं रात में पढ़ती हूँ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे लेट हो जाता है और ये मुझे जो भी ज़रूरत होती है जो भी मेरी दिल ख्वाहिश होती है जो भी मेरी हाजत होती है मैं इसको इसी वजीफे के थ्रू मैं जब भी मैंने पढ़ा है ना अलहमदिल्लाहमद अल्लाह ताल के फसल करम से वो मेरी दिली हाजत पूरी हुई है जो भी मैंने मांगा वजीफ़े को पढ़ के वैसे तो देने वाली ज़्यादा बताए अल्ला पाक की अल्लाह पाक हैं देने वाले लेकिन Uh, मैं ये जब भी दुआ मांगती हूँ ना दुआ मांगते हुए एक बात का जरूर ख्याल रखा करें कि ये लाजमी बोले कहीं अल्लाह पाक कहें ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे मिले हाँ मांगना आपका हक है अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई मांगो मांगना तो हमें है ही लेकिन ज़रूर ये बोलना चाहिए कि अल्लाह पाक ये चीज़ अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे दीजिएगा ठीक है वन अगर नहीं है तो मेरा माइंड ही वहाँ से हट जाए मैं तो लाजमी अपने लिए ये दुआ करती हूँ खैर वज़ीफ़ा है या बदील भी बिल खैरी या बदी हो ईशा की नमाज के बाद आपने बारह सौ दफ़ा बारह दिन तक ये पढ़ना है ठीक है या भी बिल बिलखैरी या बदी हो, बदी हो ये वजीफ़ा आपने बारह सौ मरतबा बारह दिन पढ़ना है लेकिन जब आप ये वजीफा पढ़े तो आपने अपने माइंड में वही चीज़ रखनी है जो आपको चाहिए मतलब ये नहीं कि आप वजीफा पढ़ते टाइम किसी से बात भी कर रहे हैं या किसी को भले मुँह से नहीं बोल रहे और आंसर भी कर रहे हैं ऊँ ऊ करके या इशारेबाजी करके तो आपने जब ये वजीफा करना है ना तो ऐसा इस टाइम पर करना है कि कोई आपके पास ना हो मतलब बिल्कुल जो है ना आप अलोन हो अल्लाह पाक से आप जैसे आप बातें करते हैं हम जाते हैं किसी अल्लाह पाक से हम बातें करें उस टाइम पर कोई भी ना हो तो इस तरह से जो है ना आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है ऐसे यार्दा ने ना बरह को मैगनीफायर भी दिया तो मतलब इन्होंने पता ये क्यों दिया है मैगनीफायर तो मुझे पता है कोई भी चीज़ को फोकस करके देखने के लिए बट बड़ा बड़ा दिखते हैं देखे है वो खैर यार अभी जब जाएंगे स्कूल उसके बाद ही पता चलेगा क्या चीज़ें हैं खैर इन्होंने भी स्टेशनरी अच्छी खासी दे दी है तो वजीफा आप लोगों ने पढ़ना हो या कुछ भी मुश्किल हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है कि यार कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना मैं आप लोगों को हमेशा कमेंट में आंसर देती हूँ वैसे तो मेरे पास कमेंट आते ही नहीं है लेकिन जो भी आते हैं मैं उसके लाजमी आंसर करती हूँ अच्छा एक सिस्टर मेरी पूछ रही थी कि वो भी दुबई में होती हैं कि आपने ये आयरन दवा कहाँ से लिया है तो सिस्टर मैंने ये आयरन दवा लिया है कबाइल से या वन टू ट्वेंटी नाइन धर्म की शॉप है जो कि हमारे घर से बहुत करीब है तो ये अली और अली की अम्मी गई थी वही लेकर आई थी आयरन की कढ़ाई भी लाई थी और ये आयरन दवा लेकर आई थी और कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया वन टू ट्वेंटी नाइन धर्म तक तो की शॉप थी तो वो ट्वेंटी धर्म की कढ़ाई पड़ी हुई थी और पढ़ाई कढ़ाई पड़ी है और ट्वेंटी नाइन धर्म के जो है वो तवा आया था और बहुत बहुत अच्छा है मैं तो कहूँगी आप जा के ले सकती हैं कबाइल बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइस्ट प्राइस के भी कबाइल हैं लेकिन हमारे घर के एरिए की तरफ जो है ना वन टू ट्वेंटी नाइन है तो हम लोगों वहीं से बाय की थी तो जो लोग यू में रहते हैं स्पेशली दुबई में होते हैं और उनको नहीं पता है कि कहाँ से बाय करना तो वो कबाइल की शॉप से जाकर बाय कर सकते हैं ठीक है और अलमदीना मार्केट है वहाँ से भी मिल सक, मिल जाता है पर प्राइस क्यों होंगे ये मुझे नहीं पता ठीक है जी तो, 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 तो खैर अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया कि, को कि कोर्स क्या क्या आया है और पढ़ाई तो जेम्स वालों की आप लोगों को पता है अच्छी होती है तो जेम्स में बच्चों को कर एडमिशन करवाया है जेम्स के अलग अलग नाम इन्होंने बनाए हुए हैं जेम्स के बहुत सारे जो है ना अलग अलग कैटेगरी के इन्होंने स्कूल्स पर रखे हुए हैं मतलब वो, लेकिन वो है जेम्स की जेम्स की ही सीरीज चल रही है ठीक है तो मैंने यहाँ पे करवा लिया है अब देखें इन शाला मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होने वाली है स्कूल की है तो पढ़ाई बहुत अच्छी है लेकिन मेरे बच्चे बच्चों की जो है ना बीत अच्छी बन जाए बस मेरा यही है कि मैं यहाँ इस कंट्री में बैठी हूँ ना तो मेरा बस यही है कि मेरे बच्चे जो है ना अच्छे से पढ़ लेते हैं वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी है ऐसी बात है हम भी वहीं से ही पढ़ कर आएँ लेकिन मेरा यह है कि यार बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ाई कर लें वहाँ पे भी है बट मुझे थोड़ा सा वहाँ के इन्वायरमेंट पसंद नहीं है और खैर यहाँ पर अली की जॉब है तो इस हाँ इसलिए जो है ना हम लोग को यहीं बढ़ना पड़ा है अच्छा खैर यहाँ पे सारे काम आप हो गए थे अभी तो मुझे पूरी लिस्ट की करेक्शन करनी है जो कि मैं कल करूँगी मैंने सब उठा के ऐसे रख दिया और सबके सब सो चुके हैं और मेरा सर में इतना कोई शदीय दर्द हो रहा था तो मैंने बोला कि यार चलो मैं चाय पी रही हूँ अभी रात के ढाई बज रहे हैं मुझे एडिटिंग भी करनी है और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे अपनी चाय का चाय का कप लेके बैठूंगी उसके बाद ही जो है मैं एडिटिंग करूँगी तो मिलती मैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में तो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़